ट्रांसफर. ओके ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस सर, हाउ डू यू डिफाइन द कंडक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर? सर, कंडक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर अकर्स ड्यू टू द मॉलिक्यूलर लैटिस वाइब्रेशन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स व्हिच कॉजेस. ओके फिलेंट. ओके ओके जस्ट टेल मी व्हाट आर द गवर्निंग पैरामीटर्स व्हिच अफेक्ट्स द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल? यस सर, वन सर. व्हाट आर द वेरियस पैरामीटर्स व्हिच गवर्न द व्हिच अफेक्ट्स द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ मटेरियल? थर्मल कंडक्टिविटी सर, टेम्परेचर इज ए इम्पोर्टेंट फैक्टर व्हिच अफेक्ट्स थर्मल कंडक्टिविटी. Okay, anything else? So I just remember temperature only right now. Let us say if we talk about simple steel and cast iron, which will be having more thermal conductivity and why? Yes, sir. If we talk about simple steel and cast iron, then which will be having more thermal conductivity, steel or cast iron? Steel or cast iron? Sir, cast iron will have a higher thermal conductivity. Why? Cast iron will Sir. be having more thermal conductivity. Sir, because it is a metal and steel is an alloy, and as we know, thermal conductivity of irons is greater than alloy. That is okay. Okay, so that means the thermal conductivity of cast iron is going to be more as compared to the steel. Yes. Okay, what is the impact of having the impurities in the material? What is the impact of impurities, okay, on the thermal conductivity of the material? Sir, no idea about that. अच्छा ठीक है, नो इशू. अच्छा आपके पास यहाँ पे लैपलास इक्वेशन कैसे ड्राइव करोगे? यस सर. लैपलास इक्वेशन हम लिखते हैं ना, लैपलास इक्वेशन कैसे लिखते हैं आपको, क्या क्या जनरेशन यस आते सर. चलते वहाँ पे? Laplace equation has heat generation, so it should be delta 2t by delta x square plus delta 2t by delta y square plus delta 2t by delta z square plus q g by k equal to zero, because it is we are assuming steady state, where they are assuming steady state in Laplace equation. नहीं, आपके पास मुझे फिर से एक जनरलाइज हीट कंडक्शन इक्वेशन मुझे बताओ, और कौन कौन से अजम्पशन आप लेते हो वहां पे मुझे ये बताओ. assumption, okay. लैपलेस Sir, we assume one directional heat transfer, steady state, uniform heat generation. लिख के दिखाओ जरा जनरलाइज्ड हीट कंडक्शन इक्वेशन. यस सर, जनरलाइज्ड हीट ट्रांसफर कंडक्शन इक्वेशन लिख के दिखाओ. और जनरलाइज्ड कंडक्शन. सर, फूरियर फॉर्मूला लिख के दिखाओ. आपके पास मुझे जनरलाइज हीट कंडक्शन इक्वेशन चाहिए जो कि अनस्टेडी स्टेट विद हीट जनरेशन, और आपके पास जो थ्री डायमेंशनल आपको क्या होती है. ओके ठीक है सर, एक मिनट. जनरलाइज का मतलब ही आपके पास है, कोई भी अजम्पशन आप वहाँ पे नहीं लोगे. ओके ठीक. एक मिनट, लाइट जला. ओके ठीक है. अच्छा आपके पास यहाँ पे हीट जनरेशन कहाँ पर है? हीट सर जनरेशन आपने बोला ना, जे जे एज्यूम नहीं करना, तो हीट जनरेशन तो फूरियर लॉ में तो हीट ठीक. जनरेशन लेते नहीं. सुनो, जब आप जनरलाइज कंडक्शन इक्वेशन लिख रहे हो उसमें आपको हीट जनरेशन भी कंसिडर करना पड़ेगा, आपको अनस्टेडी भी कंसिडर करना पड़ेगा, और आपके पास यहाँ पे थ्री डायमेंशनल कंसिडर करना पड़ेगा. जनरलाइज का मतलब यही होता है. ओके 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 अब ओके आपके ठीक. पास यहाँ पर जो जनरलाइज हीट कंडक्शन इक्वेशन है इसको आप कन्वर्ट करो लैपलास इक्वेशन में, और मुझे बताओ आप कौन कौन सी अजम्पशन वहां पे डिफाइन करोगे ओके इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इट सर. इनटू द लैपलास इक्वेशन. ओके, लैपलेस में हीट जनरेशन होगा. हाँ ये रहा सर, लैपलेस का ये है. हाँ ये लैपलास इक्वेशन है, आर यू श्योर? ये लैपलास लैपलेस नहीं का, है. लैपलेस में तो हीट जनरेशन कंसीडर करते हैं और स्टेडी स्टेट होता है. Are you sure? यस सर. ठीक है. अच्छा आपके पास क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन क्या होती है? यस सर. क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन
ओ सर, क्रिटिकल रेडियस इंसुलेशन इज द मैक्सिमम रेडियस अप टू विच द हीट ट्रांसफर इंक्रीजेस एंड देन द हीट ट्रांसफर स्टार्ट्स टू डिक्रीज. बेसिकली क्रिटिकल रेडियस इंसुलेशन वी यूज फॉर इंसुलेशन पर्पसेस ओनली. अच्छा अच्छा लेट अस से कि अगर आपके पास एक बेयर्ड वायर है जिसके ऊपर बिल्कुल जो भी विदाउट इंसुलेशन है, और एक वायर है विद इंसुलेशन, और थर्ड वायर है विद इंसुलेशन हैविंग रेडियस मोर देन क्रिटिकल रेडियस, ओके, इन तीनों ही केसेस में आपके पास सेम ग्राफ में आपके पास विदाउट हीट वेरिएशन को शो करो आपके पास यहाँ पे। सही. सिंपल एक केस है जिसमें विदाउट इंसुलेशन है वायर आपके पास, एक सेकेंड केस है जिसमें एक वायर है जिसमें आपका थिकनेस है अप टू क्रिटिकल रेडियस, और एक थर्ड कॉन्फिगरेशन है जिसमें वायर है उसके ऊपर इंसुलेशन है मोर देन क्रिटिकल रेडियस, ठीक है। इन तीनों ही केसेस को आपके पास हीट वर्सेस रेडियस के ग्राफ में प्लॉट करो। सर ऐसा ऐसा होना चाहिए ग्राफ. अच्छा, आपके पास यहाँ पे ये ओरिजिन से स्टार्ट क्यों हुआ ग्राफ? चलिए मैंने थोड़ा गलत कर दिया होगा. फिर ऐसे बनाओ, फिर से सही से बनाओ। हाँ एक मिनट सर. हो अब ठीक सेकंड वाला. ओके okay. अच्छा, आपके पास यहाँ पे विदाउट इंसुलेशन और विद इंसुलेशन, ठीक है ना। फिर एक लेटर से एक वायर है जिसमें इंसुलेशन प्रोवाइडेड नहीं है, और सेकंड वायर है जिसमें आपने इंसुलेशन प्रोवाइड करी है अप टू क्रिटिकल रेडियस। दोनों ही केसेस में किसमें हीट ट्रांसफर ज्यादा होगा एंड वाई? एक विदाउट इंसुलेशन, विदाउट इंसुलेशन में सर हीट लॉस ज्यादा हो जाएगा क्योंकि वो सराउंडिंग्स में फिर वो हीट निकलता रहेगा. और जो इंसुलेशन है पहले तो एक पॉइंट तक वो हीट लॉस करेगा, फिर धीरे धीरे उसका हीट लॉस कम होता रहेगा क्योंकि इंसुलेशन का ग्राफ भी तो एक रेडियस होता ग्राफ में शो करो, ग्राफ में शो करो, ग्राफ में एक्सप्लेन करो प्रॉपरली तो। है. सर जैसे इधर जैसे ये स्टार्ट हो रहा है, ये रेडियस इंसुलेशन बीच में है थोड़ा तो सा ये ऊपर हाँ करो, अब अभी नोटबुक फुल से ऊपर करो, अब ठीक है सर. अपनी नोटबुक थोड़ी सी ऊपर करो। हाँ आप बताओ। हाँ सर जैसे रेडियस यहाँ पर जैसे पहले स्टार्टिंग जब हो रहा है वहाँ पर रेडियस इंसुलेशन से कम है इसीलिए हीट ट्रांसफर हीट लॉस ज्यादा हो रहा है. जैसे ही वो रेडियस इंसुलेशन के इक्वल या ग्रेटर देन हो रहा है तब धीरे धीरे उसका हीट लॉस कम होता जा रहा है. नहीं, बस इतना बताओ कि आपके पास यहाँ पे एक सिंपल सी विदाउट इंसुलेशन वायर में हीट ट्रांसफर ज्यादा होगा, ठीक है, हीट लॉस ज्यादा होगा, या फिर वायर विद इंसुलेशन अप टू क्रिटिकल रेडियस में ज्यादा हीट ट्रांसफर होगा? सर विदाउट इंसुलेशन में ज्यादा होगा हीट लॉस. विदाउट इंसुलेशन में ज्यादा होगा, ओके, ठीक है। क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन का मतलब क्या होता है, और क्यों आपके पास इंसुलेशन प्रोवाइड हम करते हैं वायर से होता है? सर वो एक मतलब मैक्सिमम रेडियस इंसुलेशन है जहां तक हीट लॉस मतलब इंक्रीज हीट ट्रांसफर जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है वो इंक्रीज होता रहेगा. उसके बाद वो धीरे धीरे कम होता रहेगा. मतलब वो रेडियस मतलब नॉर्मली इंडस्ट्रीज में रेडियस इंसुलेशन ज्यादा ही वो लोग देते हैं ताकि सराउंडिंग्स में हीट लॉस ना हो जाए. हेलो वायर के ऊपर आप जो कोटिंग करते हो वायर के ऊपर, ठीक है ना, वो आपके पास किस पॉइंट तक उसकी थिकनेस हम प्रोवाइड करते हैं? वायर के ऊपर जो इंसुलेशन ग्राफ हम करते हैं तो उसके आपके पास यहाँ पे रेडियस क्या होता है? आउटर रेडियस ग्राफ में शो करो। वायर में ग्रेटर देने रखते हम लोग ना. हाँ, किस जगह पर होगा आपके पास यहाँ पे बताओ, किस किस पॉइंट पर, कहाँ पर होगा आपके पास यहाँ पे पॉइंट? क्रिटिकल रेडियस के बाद, मास हाँ क्रिटर ओके, ठीक है। अच्छा, नसेल नंबर और बायो टेम्बर में डिफरेंस क्या है? सर. नसल नंबर तो रेशियो ऑफ कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर में कंडक्टिव हीट ट्रांसफर होता है,
और बायोट नंबर ट्रांजिएंट सिस्टम्स के लिए नॉर्मली यूज किया जाता है, ताकि जो सॉलिड बॉडी के अंदर का जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, उससे हमको पता चलता है बायोट नंबर दोनों का ये डिफरेंस होता है। डेफिनेशन बताओ आप प्लस यहाँ पे बायोट नंबर की। बायोट नंबर इज द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफर्ड ड्यू टू कंडक्शन बाय रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कन्वेक्शन। तो आपके पास यही तो डेफिनेशन है, नेशनल नंबर की बताइए, दोनों में डिफरेंस क्या हुआ फिर? नसल नंबर सर एक्चुअली मतलब फ्लूइड्स के लिए होता है, और बायोट नंबर जो है एक सॉलिड बॉडी के अंडर का जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है वो उसको दर्शाता है कि अंदर का क्या यूनिफॉर्म टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। तो सॉलिड बॉडी के अंदर आपके पास यहाँ पे कन्वेक्शन रेजिस्टेंस होगा, सॉलिड नहीं, बॉडी सॉरी, नहीं 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 सॉरी बॉडी होगा, का तो नहीं बोलेगा। आपके पास यहाँ पे फिर सोर्स सोर्स के बोलो कैसे एक्सप्लेन करोगे दोनों में डिफरेंस? यस सर, फिर से सोर्स के बताओ कैसे बताओगे आपके पास यहाँ पे बायो नंबर क्या होगा, किसके रेजिस्टेंस को कंपेयर कर रहा है? कैरेक्टरिस्टिक लेंथ को हीट ट्रांसफर करने का हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट तो है उसमें, और नीचे थर्मल कंडक्टिविटी है सर। मुझे तो बस इतना याद है कि बायोट नंबर टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ओके बुलाया जाता है, ये तो मुझे याद है सर। ओके 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 माने क्या फीडबैक। देखो आपके पास यहाँ पे थोड़ा सा फिर से एक बार रिवाइज करो, ठीक है, क्योंकि नॉलेज तो है लेकिन ये है कि रिवीजन की रिक्वायरमेंट है, प्रॉपरली कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो डॉट्स को, ठीक है ना? जैसे आपके पास यहाँ पे सर जो मैंने आपसे पूछा था अभी लास्ट केस में बायो नंबर नसल नंबर, आपको पता होना चाहिए जो नसल नंबर है वो फ्लूड के ही कन्वेक्शन रेजिस्टेंस को कंडक्शन रेजिस्टेंस से कंपेयर कर रहा है, ओके। और आपके पास जो बायो नंबर है वो सॉलिड बॉडी के कंडक्शन रेजिस्टेंस को एक्सटर्नल फ्लूइड के कन्वेक्शन रेजिस्टेंस से कंपेयर करता है, ओके। इसका सोचा जा रहा है, डेफिनेशन वाइज दोनों सेम है लेकिन कंपेयर किसके रेजिस्टेंस को कर रहा है ये आपको बताना चाहिए। नसल नंबर दोनों ही फ्लूइड के रेजिस्टेंस को कंपेयर कर रहा है, वेयर एज बायो नंबर इज कंपेयरिंग दी कंडक्शन रेजिस्टेंस ऑफ सॉलिड विद द कन्वेक्शन रेजिस्टेंस ऑफ द एक्सटर्नल फ्लूइड, ठीक है ना? और जो आपने मुझे क्रिटिकल रेडियस का जो आपने मुझे एक्सप्लेन करा वो गलत एक्सप्लेन कर रहा है, क्रिटिकल रेडियस वो रेडियस है जहां पर हीट ट्रांसफर सबसे ज्यादा हो, दैट मींस में रेजिस्टेंस इज गोइंग टू बी मिनिमम। तो अगर आपके पास एक इंसुलेटेड वायर है और एक विदाउट इंसुलेटेड वायर है, ठीक है, तो हमेशा इंसुलेटेड वायर में हीट ट्रांसफर ज्यादा होगा अगर उसका रेडियस जो है वो क्रिटिकल रेडियस से इक्वल है तब, ठीक है, इसका ध्यान रखना। अच्छा, मैंने आपसे पूछा था कि आपके पास यहाँ पे जो ड्रायर को डिजाइन किस पॉइंट पे करेंगे, तो ध्यान रखना जो क्रिटिकल रेडियस वाला जो पॉइंट है ना उससे बिल्कुल पीछे हल्का से क्लोज पॉइंट का, मतलब कि मान लो जैसे 5 सेंटीमीटर क्रिटिकल रेडियस है तो 4.9 या 4.95 के आसपास डिजाइनिंग करते हैं, ठीक है ना, क्रिटिकल रेडियस के पास, ताकि वायर में से जो हीट ट्रांसफर वो ज्यादा ज्यादा होता रहे, ठीक है, हीट जनरेशन ना हो, ठीक है, ये बताना चाहिए। जनरलाइज हीट कंडक्शन इक्वेशन को देखो कौन कौन सी इक्वेशन आसपास होती है, और जब भी जनरलाइज वर्ड हम यूज करते हैं ना, जनरलाइज का मतलब ये होता है ऐसी इक्वेशन जिसमें आप कोई भी अजम्पशन डिफाइन नहीं करते, ठीक ओके सर, है, इसका थोड़ा ध्यान रखना, ओके। तो इसको थोड़ा एक बार देखो आपके पास यहाँ पे, फिर मुझे स्नैप दिलाओ एक बार, ओके ना? सर आपने वो नहीं बताया, जैसे आपने बोला इम्प्योरिटीज ऐड करने से क्या थर्मल कंडक्टिविटी में हाँ, क्या होता है। इंप्योरिटीज ऐड करने से क्या होता है आपका कनेक्टिविटी कम होती रहती है, यदि मैं कास्ट आइटम में स्टील की पूछ रहा हूँ स्टील की ज्यादा होगी, कास्ट में इंप्योरिटीज है वहाँ पे, तो कास्ट आइटम में कार्बन की तो कंटेंट काफी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू स्टील, इसका तो थोड़ा ध्यान रखना, ओके ओके ओके। माने नाउ यू कैन लीव द मीटिंग।